नमस्कार, आज है 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हिमाचल में महंगा हुआ गाड़ियों का पंजीकरण, विधानसभा में नया विधेयक पारित। हिमाचल में अब गाड़ियों का पंजीकरण महंगा हो गया। सरकार ने शुक्रवार को सदन में नया विधेयक पारित कर दिया है। गाड़ियों का पंजीकरण शुल्क वाहन की कीमत से 6% से 15% तक कर दिया गया। इनमें से दो पहिया वाहनों से लेकर लग्जरी गाड़ियां भी शामिल होगी। सदन में विपक्ष ने कोरोना के समय में ऐसा कानून बनाने का विरोध किया, कहा कि इसका जनता पर बोझ पड़ेगा। चर्चा में विपक्ष के विरोध के बीच इस बिल को सत्तारूढ़ दल ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बिल का लाना आवश्यकता, देश भर में एक रूपता लाई जा रही है। परिवहन परिषद की बैठक में केंद्रीय स्तर पर फैसला हुआ है। विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि मोटर और अन्य वाहनों के मामले में सरकार एक मुश्त पैसा एकत्रित करना चाहती है। खबर शिमला से, शिमला में अब रविवार को भी खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट, कारोबारी को राहत। कोरोना महामारी के बीच प्रशासन ने कारोबारी को राहत प्रदान की है। शिमला शहर के सर्कल में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट और चाय मिठाई ढाबे तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब रविवार के दिन भी खुली रहेगी। एसडीएम शिमला शहरी मंजीत शर्मा ने 17 जुलाई के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किए। शिमला शहरी क्षेत्र में अब हर रविवार को चाय और मिठाई सहित अन्य अनावश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। 50 नहीं 30% कटेगा विधायकों का वेतन, बिल हुआ पास। हिमाचल में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विधायकों का वेतन 50 नहीं बल्कि 30% ही कटेगा। शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में चर्चा के बाद विधायकों के वेतन में 30% कटौती का ही बिल पारित कर दिया गया है। सदन में कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्कू ने इस बिल का संशोधन का प्रस्ताव रखा कि विधायकों के वेतन में ये कटौती 30 से बढ़ाकर 50% की जाए। मकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी इसका समर्थन किया, इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग उठी। हालांकि कुछ विधायकों ने इस पर आपत्ति भी जताई। आज की वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में इस दिन से बारिश के आसार, ऊना में पारा 36 डिग्री के पार। हिमाचल में शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा। 14 से 17 सितंबर तक 6 मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश के आसार है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 17 सितंबर तक मौसम साफ बने रहने की संभावना है। विपक्ष की आपत्ति के बाद सहकारी सभा संशोधन बिल पारित, ये हुए नए प्रावधान। चर्चा के बाद सदन में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा संशोधन विधेयक 2020 को सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा। इस पर अपना संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चर्चा शुरू की, कहा कि सहकारी सभाओं को हतोत्साहित किया जा रहा है। कोई भी आदमी पहले सोसाइटी में पैसा जमा करवा सकता था, अब ऐसा नहीं होगा। बिल में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उससे सहकारी सभाएं कमजोर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र के सब लोगों का पैसा जमा होना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि विधायिका का मुख्य काम कानून बनाना है। जब इसे पढ़ा जा रहा था तो आज ही इसका संशोधन सदन में दिया गया। असल में हमें जो संशोधन लाना पड़ रहा है ये अधिनियम 1968 का बना हुआ है। नए प्रावधानों में सोसाइटी ही ऑडिटर तय करेगी। खबर धर्मशाला बोर्ड से, शिक्षा बोर्ड ने जारी की टेट परीक्षा के आंसर की और एडमिट कार्ड। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अध्यापक पात्रता परीक्षाओं से संबंधित अस्थायी उत्तर कुंजी सीरीज ABCD बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड ने 8 विषयों में जीवटी शास्त्री, नॉन मेडिकल, LT, आर्ट्स मेडिकल, उर्दू और पंजाबी टैट करवाया था। संबंधित उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति को दर्ज करवाना है तो 16 सितंबर तक अनुभाग अधिकारी पेपर निर्धारण शाखा को भेज सकते हैं। बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड किया एडमिट कार्ड। राज्य मुक्त विद्यालय SOS ने 8वीं 10वीं और जमा 2 कक्षाओं की सितंबर 2020 में होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए है। परीक्षार्थी अपना नाम और जन्मतिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
कंगना के समर्थन में भाजपा ने छेड़ा हस्ताक्षर अभियान। रामपुर में विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। हिमाचल भाजपा ने कंगना रनौत के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अभियान का रिज मैदान से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शिवसेना सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत का महाराष्ट्र में घर तोड़ा है, वे पूरी तरह से गलत और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। फर्जी डिग्री मामले की जांच के लिए सरकार ने गठित की 19 सदस्यीय एसआईटी। मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के फर्जी डिग्री मामले की जांच का जिम्मा सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है। जांच के लिए एडीजी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली 19 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में दी है। सीएम ने कहा कि इस मामले में परिवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग से भी संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री बांटने से बड़ा हिमाचल में कोई पाप नहीं हो सकता। एक आकलन है कि फर्जी डिग्री हजारों में नहीं है, लाखों में देश विदेश में बांटी गई है। बड़ी खबर, हिमाचल में 2500 रुपए महीना कमाने वाला बीपीएल श्रेणी में नहीं आ सकता। हिमाचल में 2500 रुपए मासिक आय वाले लोग बीपीएल की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। अगर परिवार में व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो भी इसके लिए पात्र नहीं है। विधानसभा में विधायक कर्नल इंदर सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बीपीएल होने की गाइडलाइन का ब्यौरा रखा है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि हिमाचल में इस समय 261,423 लोग बीपीएल में है। अंत्योदय और अन्य गरीब श्रेणी की संख्या अलग है। जिला कांगड़ा में सबसे ज्यादा 52,650 लोग बीपीएल में। जिला लाहौल स्पीति अमीर जिला है, यहाँ बीपीएल परिवार 1560 है। मंत्री ने लिखित उत्तर में 13 बिंदु बीपीएल में शामिल होने वाले परिवार के बताया। अगर व्यक्ति इन गाइडलाइन के विपरीत बीपीएल में शामिल किया जाता है तो पंचायत सचिव और प्रधान पर कानूनी कार्यवाही की जाती। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ने मांगी सुरक्षा महेश्वर सिंह पर लगाया आरोप। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को सदन में उनके होटल के बाहर हुए प्रदर्शन का मामला उठाया और सुरक्षा मांगी। कहा कि भाजपा नेता महेश्वर सिंह के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। जब भी विधानसभा सत्र होता है या मैं कुल्लू से बाहर जाता हूँ, मेरे परिजनों को डराने के लिए होटल और घर के बाहर प्रदर्शन किए जाते हैं। आरोप लगाया कि ये सिलसिला 1986 से चल रहे हैं, उस समय मैं 20 साल का था। भदसाली गोलीकांड के आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक जांच की जरूरत नहीं, सीएम जयराम ठाकुर। ऊना जिले के अरोली के भदसाली गोलीकांड में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, न्यायिक जांच की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में नेता प्रतिपक्ष और हरोली के कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, वेंटिलेटर न होने से हिमाचल में नहीं हुई किसी की मौत। प्रदेश में वेंटिलेटर की अनुपलब्धता के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। जो मौतें हो रही है वे उन्हीं मरीजों की हो रही है जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी और रामपुर के विधायक नंदलाल के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने ये जानकारी दी है। विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर के कोविड केयर सेंटर में वेंटिलेटर नहीं है, ये वेंटिलेटर है वहाँ चालू नहीं किए गए। बीबीएन में अफसरों के तबादले को बनाई जाए नीति, सदन में उठी मांग। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में सरकारी अफसर और कर्मचारियों के तबादले करने के लिए अलग से नीति बनाने की मांग शुक्रवार को सदन में उठी है। भाजपा विधायक परमजीत सिंह पम्मी और कांग्रेस विधायक लखविंदर राणा की जगह सवाल पूछ रहे विधायक राजेंद्र राणा ने प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाया। कहा कि बद्दी बरोटीवाला और नारागढ़ से नौकरी करने में अधिक दिलचस्पी ले रही है, बार बार इनके तबादले यहाँ हो जाते। परमजीत पम्मी ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ऐसे कर्मचारियों को इस क्षेत्र से बाहर भेजा जाए। ऐसे कर्मचारी भी अधिकारी 6 माह में लौट आते हैं। पुलिस एक्साइज और माइनिंग विभाग में ऐसे मामले अधिक हैं। विधायक राजेंद्र राणे ने कहा कि सरकार चाहे कोई भी हो, ये अफसर कर्मी अपनी सेटिंग कर लेती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर तबादले किए जाते हैं, ऐसे कर्मचारी भी अधिकारी विधायकों से अग्रह करके दोबारा वहीं पहुँचाते हैं। यदि सभी सदस्य एकमत हो जाए तो तबादला नीति के बारे में विचार किया जा सकता है। हिमाचल में 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदा से 7,061 मकान क्षतिग्रस्त।
राज्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की जगह सदन में जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बीते 3 वर्षों में 31 जुलाई तक राज्य में बारिश, बर्फबारी और आगजनी से 7,061 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावितों को सहायता के लिए 10.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 251 परिवारों को 5 करोड़ आवंटित किए गए हैं। SMC शिक्षकों की मदद का रास्ता बना रही है सरकार, CM जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सदन में कहा कि सरकार SMC शिक्षकों की मदद का रास्ता बना रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाने को कानूनी राय ली जा रही है। इनके मामले में कानूनी रुकावटें हैं, इन्हें ठीक करने में वक्त लगेगा। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किए एक सवाल पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है। सदन में 5 बिल पारित, माननीयों के वेतन भत्तों पर 30% कट का विधेयक भी पारित। मॉनसून सत्र के 5वें दिन सदन में 5 विधेयक पारित हुए, जिनमें से मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा सदस्य एवं राज्य के अन्य उच्च पदों के वेतन भत्तों का विनियमन संशोधन विधेयक 2020, हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020, हिमाचल नगर निगम संशोधन विधेयक 2020, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2020, हिमाचल मोटरयान कराधान संशोधन 2020 विधेयक पारित किए गए। खबर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से MD और MS की परीक्षाएं अक्टूबर में 30 तक जमा करवाएं परीक्षा फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा MD MS प्रथम वर्ष बैच 2019 और अंतिम वर्ष 2017 की वार्षिक थ्योरी परीक्षाएं आगामी अक्टूबर माह से आयोजित करवाई जाएगी। इन परीक्षाओं के दृष्टिगत उम्मीदवार बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म 20-30 सितंबर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार मेडिकल साइंस सेक्शन में जमा करवा सकती है। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। HPU शिक्षक भर्ती के विरोध में विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग को लेकर SFI उग्र। खबर, चंबा से विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और UG छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर SFI ने DC कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन नारेबाजी की है। इसके बाद ADC के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। रहमतुल्ला ने कहा कि प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी की रोल नंबर के आधार पर अगली कक्षा में एडमिशन होगी, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि विद्यार्थी प्रमोट हो गया है, उनके एग्जाम होने वाले। ऐसे में हजारों विद्यार्थी मझधार में लटके हुए। SFI ने मांग की है कि जल्द से जल्द प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने के संबंध में अधिसूचना जारी की जाए, ताकि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से परेशान ना होना पड़े। और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अब इस पर फैसला लेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने यह फैसला सरकार के हवाले किया था, परंतु कैबिनेट में इसका कोई समाधान नहीं निकला और सरकार ने फिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के ऊपर ये डाला कि आप अगर इनको प्रमोट करना चाहते विद्यार्थियों को तो आप करिए, जो भी डिसीजन लेना हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इस पर फैसला लेगी। कोरोना काल में नौकरी गई तो मिलेगा भत्ता, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कोरोना काल में नौकरी से हाथ धो चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद इसका फैसला लिया गया है, जिसमें अटल बीमित कल्याण योजना के तहत मूल वेतन का 50% बेरोजगार हुए लोगों को दिया जाएगा। खास बात यह है कि भत्ता नौकरी छोड़ने की तिथि से लेकर 90 दिनों यानी 3 महीने के लिए दिया जाएगा। इसे लेकर ESIC द्वारा सभी स्थानीय मुख्यालय को सर्कुलर भेजे गए हैं। इस फैसले का सीधा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अपनी नौकरी के दौरान कम से कम 78 दिन अंशदान वेतन कटवा चुके हैं। बताया गया कि नौकरी खो चुके ऐसे ही लोग भत्ते के लिए योग्य साबित होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।